In this question, we have to find the equation of the line that is parallel to x-axis and it is passing through point 3, 2. तो ये हमारा ग्राफ हो गया, ये x-axis है, ये y-axis है, और हमसे क्या कहा कि कोई भी लाइन दैट इज पैरेलल टू x-axis एंड इट इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट 3, 2. अब पैरेलल टू x-axis है मतलब इसका जो हमारे पास स्लोप होगा इट विल बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ x-axis, एंड स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस हमारे पास होता है, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इक्वल टू जीरो होता है हमारे पास, ठीक है. तो इसका जो लाइन का स्लोप है वो भी जीरो हो जाएगा, तो एम हमारे पास आ गया जीरो. अब हमें एक पॉइंट गिवन है जहाँ से ये लाइन पास कर रही है, वो 3, 2. अब हमें पता है अगर हमारे पास स्लोप गिवन होता है लाइन का और कोई भी एक पॉइंट गिवन होता है तो उस लाइन की इक्वेशन हमारे पास होती है वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू में एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है. तो y माइनस पॉइंट क्या है हमारे पास 2 इक्वल टू स्लोप क्या है 0 इंटू ये करेंगे तो वापस 0 आ जाएगा. तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस 2 इक्वल टू 0, और वी कैन राइट इट एज y इक्वल टू 2. इट इज़ द इक्वेशन ऑफ द लाइन डेट इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड इट इज़ पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, 2.